Guys, it's Shivangi. Welcome back to my channel. So, people who are new to this channel, don't forget to like, share, subscribe, comment down below. Sab kar do, except the dislike button. And people who have already subscribed to my channel, thank you so much. It means a lot to me. And if you like this video, don't forget to share it with your friends. आज के इस वीडियो में आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग माई ओन कस्टमाइज्ड फ्रिज मैगनेट्स एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज मैगनेट्स इज दैट आप इन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली को. द फन फैक्ट इज दैट ये 20 रुपीज के भी नहीं पड़े. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो मैगनेट्स के बेस के लिए मैं एमसील यूज कर रही हूँ एंड एमसील मुझे 10 रुपीज का पड़ा एक पैकेट. With that, मैं एक मैगनेट शीट ले आई हूँ एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 100 रुपीज. सो इट वॉज अ गुड बाय. तो सबसे पहले मैं दोनों कॉम्पोनेंट्स को अच्छे से मिक्स करूँगी एंड जिससे कि ये स्टिकी ना हो उसके लिए मैं टैल्कम पाउडर का यूज़ कर रही हूँ. यहाँ पे आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं. सो अब मैं अपने मैग्नेट को शेप देना स्टार्ट करूँगी एंड फर्स्ट शेप मैं सर्कुलर दूँगी बिकॉज मेरे लिए भी बनाना ईजी होगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट ट्राई. सो या जिससे मेरा सर्कुलर शेप एकदम इवन रहे मैं उसके लिए एक पेन को यूज़ कर रही हूँ एंड मैं उसे जैसे रोटी को बेलते हैं मैं वैसे एमसील को बेल रही हूँ जिससे कि सब कुछ एकदम परफेक्ट बने. And that is how I am giving it a shape. जब मेरा perfect circular shape बन जाएगा मैं magnet पे उसको place करके pen से outline करूँगी and then मैं अपने magnet को scissors से cut करके हटा दूँगी. So ये sheet बहुत easy है cut करने के लिए जैसा कि आप देख भी सकते हैं. And मैं fevicol का use करके अपनी magnet को अपने एमसील के स्ट्रक्चर पे प्लेस कर दूँगी जिससे कि अच्छे से स्टिक हो जाए एंड ऊपर से मैं उस पर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करूँगी जिससे कि वो शेप ले ले, मैग्नेट अपनी शेप ले ले. एंड यही सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं अपने और भी शेप्स को कट करूँगी. सो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर शेप कट कर रही हूँ एमसील का एंड अब मैं वाटरमेलन हाफ सर्कल का शेप कट कर रही हूँ. सो डिफरेंट शेप्स का प्रोसेस एकदम सेम रहेगा, इट्स जस्ट दैट मैं डिफरेंट तरीके से कट कर रही हूँ मैगनेट्स को. एंड जैसे जैसे मैं कट कर रही हूँ एंड उसमें मैगनेट्स को पेस्ट कर रही हूँ मैं उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी. अब 3 hours के लिए अगर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे तो आपके मैग्नेट्स बहुत ही परफेक्टली एकदम स्टोन की तरह हार्ड हो जाएंगे एंड यू आर गुड टू गो. अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है. अब मैं अपने मैग्नेट्स को कलर करना मैंने स्टार्ट कर दिया है. हियर आई एम यूजिंग एक्रेलिक पेंट्स. सो बेस पे मैं सबसे पहले वाइट कलर को अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज उसके ऊपर, वाइट कलर के ऊपर आप कोई भी कलर अप्लाई करो तो हमेशा ईजी होता है रादर दैन एक डार्क कलर के ऊपर आप डायरेक्टली कोई और कलर ट्राई करो. सो सबसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगी कि मैं हर शेप को एक वाइट बेस दे दूँ एंड उसके बाद मैं इस पर डिटेलिंग करना स्टार्ट करूँगी. एंड ये प्रोसेस काफ़ी ईजी है. सो वाइट कलर के बेस को ड्राई होने के बाद अब मैं अपने शेप्स को फाइनल कलर कर सकती हूँ एज इन जो मैं बनाना चाहती थी अब मैं उसको वैसा पेंट कर सकती हूँ. सो फर्स्ट मैग्नेट पे मैं वाटरमेलन बना रही हूँ बिकॉज सबसे ईजी होता है, सबसे बेसिक मैग्नेट है. एंड सो यहाँ पे मैं राउंड ब्रशेस का यूज़ कर रही हूँ एंड अब जितना ज़्यादा डिटेलिंग को ऐड करेंगे, जितना डिटेल बनाएंगे उतना प्रिटी होगा.
अब मैं डोनट्स पे पेंट करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड मैं सबसे पहले ब्राउन कलर मस्टर्ड कलर का यूज़ कर रही हूँ उसके बेस के लिए। एंड अब मैं उसकी टॉपिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ एंड यही प्रोसेस मेरा हर मैग्नेट पे फॉलो होगा। सो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा डिटेलिंग पे आता है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। एक पतले राउंड ब्रश से मैं छोटी छोटी डिटेल्स को जब ऐड करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। सिमिलरली मैं चॉकलेट डोनट को भी ऐसे ही कलर करूँगी। सो नेक्स्ट मैग्नेट के लिए आई थॉट कि मैं इसे घर का शेप दूँ। ये टिपिकल घर तो नहीं है, बट आई ट्राइड कि कुछ इंटरेस्टिंग हो। तो इसके लिए मैं छोटी छोटी डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ, विंडोज़ ऐड कर रही हूँ, डोर्स ऐड कर रही हूँ। एंड या मैंने थोड़ा फंकी कलर यूज़ किया है, विच इज़ रेड, ब्लू एंड पिंक। सो आप चाहें तो आप कुछ और भी बना सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी और डिटेलिंग ऐड करूँगी, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा डिटेलिंग ऐड करूँगी उतना ही प्रिटी लगेगा। सो यस, मैं अपने छोटे टिप के राउंड ब्रश को यूज़ करके इसको एकदम डिटेलिंग से भर दूँगी। अब चांस है सबसे ईजीएस्ट आई वुड से एंड प्रिटीएस्ट मैग्नेट का, विच इज़ मैं स्माइली बना रही हूँ। बस मैंने एक राउंड शेप पे येलो कलर कर दिया एंड अब मैं उस पर मार्कर से एक स्माइली बना रही हूँ एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी। सो वंस इट इज़ डन, अब मैं अपनी लास्ट राउंड सर्क्यूलर मैग्नेट पे पेंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड बिकॉज फ्रिज किचन में होता है तो मैंने सोचा कि खाने की ही चीज़ बना देती हूँ। सो योर आई एम मेकिंग अ पिज्ज़ा एंड या मैंने इसमें पीछे भी कलर करा है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मैं सबसे पहले बेस कर रही हूँ एंड बीच में मैंने वाइट स्पेस इसलिए छोड़ा है बिकॉज पिज्ज़ा में क्या होता है, चीज़, एंड चीज़ होता है क्रीमिश वाइटिश कलर का। सो या दैट इज़ हाउ आई एम डूइंग इट। एंड अब मैं पिज्ज़ा में ब्यूटिफुल यमी टॉपिंग्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैं टमेटोज, अनियंस, ये सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। इवन मैंने कॉर्नस भी ऐड करे हैं येलो कलर से। सो या यू आर फ्री टू डू एनी थिंग गाइज, आपको जैसा पसंद है वैसा क्रिएट करो। मैं बस एक इंस्पिरेशन के लिए, एक आपको आइडिया देने के लिए ये क्रिएट कर रही हूँ। एंड जब आपका फाइनल पेंट हो जाए, आप थोड़ी देर के लिए अपने मैग्नेट्स को ड्राई होने के लिए छोड़ दें। एंड वंस इट इज़ डन, मेरे पास अभी वार्निश तो नहीं है, बट इसके ऊपर अगर आप वार्निश करेंगे तो आपके मैग्नेट्स को कभी कुछ नहीं होगा, आपके पेंट्स कभी भी निकलेंगे नहीं। सो दिस इज़ हाउ माई मैग्नेट्स लुक लाइक, दे आर ब्यूटिफुल गाइज। आई थिंक वीडियो में जितना अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा रियलिटी में लग रहा है। ओके गाइज, सो आई लव द होल प्रोसेस। मैं फिर से आऊँगी एक डिफरेंट वीडियो के साथ
आपको इंस्पायर करने. टिल देन टेक केयर, सैनिटाइज योरसेल्फ, स्टे सेफ एट होम. थैंक यू.